हिंडोरिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध रूप से विक्रय किए जा रहे 3 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना मिलते ही हिंडोरिया पुलिस द्वारा बादकपुर चौराहे पर एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से गांजा लेकर जा रहे मिट्ठू लाल लोधी को रगे हाथों गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। इस उत्साहवर्धन कार्य करने वाले थाना प्रभारी एस के जगेत, प्रधान आरक्षक जितेंद्र यादव, प्रधान आरक्षक अभिषेक चौबे, बाबू सिंह महेंद्र, भानु उपाध्याय को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुरस्कृत किया गया। भारतीय न्यूज के लिए दमोह से चतुर्भुज बिट्टू दुबे की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक एवं चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार अवैध मादक पदार्थ की तस्करी पर निरंतर रोकथाम हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तारतम्य में कल दिनांक को हिंडोरिया पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना से स्टेशन रोड बांदकपुर के पास से एक मिट्ठू लाल व्यक्ति से लगभग 3 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया, जिसकी बाजार कीमत लगभग 30,000 रुपये है। उसका 3 दिवस का पुलिस रिमांड लिया गया, जिस पर से उसके कहां से वह ला रहा था, कहां पर वह बेचने जा रहा था या किस किस को वो बांटने जा रहा था, इस संबंध में सारी विवेचना में खोला जाएगा। कितने लोग हैं सर इसमें? अभी प्रथम दृष्टया 1 किलो व्यक्ति। सर अभी जो आरोपी पकड़ा गया है, क्या इससे पहले भी कभी उसके ऊपर ये मुकदमा कायम हुआ है? यह विवेचना में अभी पूछताछ में पता चल जाएगा। सर कितने? सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।